Are you getting the voice, Pradeep? No, sir. No, sir. Please, dude. आप टुडे इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी. नाउ यू आर गेटिंग माय वॉइस? यस सर. यस सर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द वर्जन ऑफ द थ्योरी, देन वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी एंड इट्स स्टेजेस. The product life cycle theory was put forward by Raymond Vernon in the mid 1960. According to the PLC theory of trade, the production location for many products moves from one country to another depending on the stage in the product's life cycle. It was based on the observation that most of 20th century, a large proportion of world's new products had been developed by US firms or sold in US market first. For example, you can take the mass production of automobiles, televisions, cameras, photocopiers, PCs means computers and semiconductor chips, etc. Vernon argued that the wealth and size of US market gave US firms a strong position in the market. Product life cycle theory, ये हम लोगों को बताता है कि जो कोई भी product हम develop करते हैं, किसी भी market में develop करते हैं, तो उस product के चार stages होते हैं. From innovation to the maturity. इसको आप जब पढ़ना शुरू करेंगे और इसको books में देखना शुरू करेंगे तो आपको जो चार stages मिलते हैं वो है innovation, growth, maturity और decline. Innovation, growth, maturity and decline को दूसरे रेफरेंस में, जब इंटरनेशनल ट्रेड थियरी की रेफरेंस में आप पढ़ते हैं तो यही थियरी बन जाता है इनोवेशन, ग्रोथ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता रहा हूं. मार्केटिंग में जब आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी पढ़ते हैं तो वहां आप लिखते हैं इनोवेशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड थियरी में चलेंगे तो ग्रोथ की जगह पर आपका हो जाएगा एक्सपोर्ट एंड डिक्लाइन की जगह पर हो जाता है इंपोर्ट. ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी गिवन बाय रेमंड वर्नर. जब आप इनोवेशन की बात करते हैं तो रेमंड वर्नर ने यही कहा था कि फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ यूएस मार्केट, एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जब डेवलप किया जाता है, उसका वर्जन जब होता है तो शुरुआत में वो अपने इनोवेशन स्टेज में होता है. इनोवेशन स्टेज में वो होम कंट्री को ही एक्वायर करता है. ग्रोथ स्टेज में वो होम कंट्री में एक्सपेंशन करता है. मैच्योरिटी स्टेज में, यानी जब मार्केट का हम एक्सपेंशन करते हैं जिसको हम मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं, तो उस समय प्रोडक्ट होम कंट्री से निकल करके न्यू एवेन्यूज के तलाश में,
न्यू एवेन्यूज मतलब नए मार्केट के इन सर्च ऑफ द न्यू मार्केट इट गोज इंटरनेशनल एट इंटरनेशनल लेवल व्हिच इज नोन एज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट. और डिक्लाइन जब आप कहते हैं इसको कहते हैं कि मार्केट सेचुरेट हो गया, तो आप मार्केटिंग में पढ़ते आते हैं कि सेचुरेशन ऑफ द मार्केट. तो मार्केट सेचुरेशन में हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी होती है और वो प्रोडक्ट अब ऑब्सोलीट होने लगता है. ऑब्सोलीट का मतलब आप लोग शायद समझ रहे होंगे, मतलब प्रोडक्ट को ध्यान प्रोडक्ट का नया वर्जन, नई टेक्नोलॉजी, न्यू द प्रोडक्ट बिकम्स न्यू एडवांसमेंट के साथ नई नई प्रोडक्ट के नए वर्जन मार्केट में आने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलीट हो जाता है और कई बार कंपनीज बाध्य हो जाती हैं कि उसके नए मार्केट सेगमेंट को इंपोर्ट करें या वो कंट्री होम कंट्री चाहे या वर्चुअली वर्जनली ये प्रोडक्ट डेवलप हुआ था उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपका विंडो या कंप्यूटर का जो मेन इनोवेशन था, एक एग्जांपल लेकर के हम शुरुआत करने चल रहे हैं कि इनोवेशन स्टेज प्रोडक्ट हमने लिया क्या, कंप्यूटर पीसी. कंप्यूटर का इनोवेशन हुआ अमेरिका में, शुरुआत में अमेरिका के कुछ लोगों ने इसको प्रयोग करना शुरू किया. ग्रोथ स्टेज में क्या हुआ, इसने कैप्चर किया अमेरिका के मार्केट को. और मैच्योरिटी स्टेज में क्या किया, इसका इंटरनेशनलाइजेशन हो गया. और डिक्लाइन स्टेज में क्या हुआ, पीसी जो शुरुआत में था जो कमांड बेस्ड था उसके नए नए वर्जन आते गए, नए नए उसकी टेक्निक्स आती गई. और आज ये हाल हो गया है कि वही अमेरिका जहां से कंप्यूटर का के इनोवेशन का इनोवेशन हुआ, जहां से कंप्यूटर की शुरुआत हुई, वही अमेरिका आज इंडिया से सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहा है. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी. आप सोचिए साइकिल कहां से कंप्लीट हुई, एक प्रोडक्ट शुरुआत हुआ, इनोवेशन हुआ अमेरिका में, ग्रोथ हुई, मैच्योरिटी हुआ और डिक्लाइनिंग फेज में आज वही प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है. यानी अमेरिका आज उसी प्रोडक्ट का सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहा है अपने यहां. दिस इज द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ द प्रोडक्ट. तो देन वी आर गोइंग वन बाई वन ऑफ दिस थ्योरी. तो चलिए इनोवेशन की बात हम लोग करते हैं. तो हमने जैसे बताया आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज द फोर स्टेजेस, इनोवेशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. इंटरनेशनल लेवल पर हम इसको क्या कहेंगे, इनोवेशन, ग्रोथ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. तो चलिए हम लोग एक एक करके वी विल डिस्कस वन बाय वन. इनोवेशन इन द रिस्पॉन्स टू ऑब्जर्व नीड, हमारी नीड क्या है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है. यानी कंपनीज फर्स्ट ऑब्जर्व्स द मार्केट, मार्केट का ऑब्जर्वेशन करती हैं कि इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट मार्केट में है, नीड ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को इसकी आवश्यकता है या नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का. जैसे आप एक समय समझिए ऑक्सीमीटर आया, या जो आपका पल्स जो मेजर करता था वो आया, तो मार्केट में उतना ज्यादा स्पेस नहीं बनाया. लेकिन अचानक जैसे ही कोरोना का इफेक्ट आया मार्केट में, हर इतनी ज्यादा ऑक्सीमीटर या पल्सोमीटर पे इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि मार्केट इज हैविंग ए ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट. और वही प्रोडक्ट अब क्या हो गया, अपने अचानक जो इनोवेशन स्टेज में था वही अपने मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाता है. तो इनोवेशन इज रिस्पॉन्स टू ऑब्जर्व नीड, यानी हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं वेदर इट इज हैविंग द नीड ऑफ द मार्केट इज हैविंग और कंज्यूमर इज हैविंग द नीड ऑफ द प्रोडक्ट आर नॉट, यानी कंज्यूमर को उस वस्तु की आवश्यकता है या नहीं है. इफ देयर इज अ नीड ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग बाई द इनोवेटिव कंट्री आर इवॉल्विंग प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स, क्या हो सकता है कि या तो इनोवेटिव कंट्री उसका एक्सपोर्ट करके उस नीड को फुलफिल करेगा, या तो उस प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक से मिलता हुआ
होम कंट्री कोई दूसरा प्रोडक्ट इनोवेट करेगा. तो दिस इज द इनोवेशन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट. कोविड 19 के टाइम पर आप खुद समझ सकते हैं कि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन सॉरी इनोवेशन चल रहा है, इनोवेशन ऑफ द वैक्सीन इज बेसिकली जो अगर हम ऑक्सफोर्ड की बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन है, या तो हम उस वैक्सीन को ही एक्सपोर्ट करवा लें, इंपोर्ट कर लें अपने यहाँ, या सीरम इंस्टीट्यूट जो अपने यहाँ बेंगलोर का है वो जो दूसरे प्रोडक्ट का, या भारत इंस्टीट्यूट करके जो है वो जो दूसरा जो वैक्सीन का इनोवेशन कर रहे हैं वो अगर सफल हो जाता है तो हम अपने इस मिलते जुलते यानी इवॉल्विंग प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स को मिलते जुलते हम अपने यहाँ यूज कर सकते हैं. तो देयर आर टू ऑप्शंस ऑलवेज एट द इनोवेशन स्टेज कि या तो हम उस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर लें या उस प्रोडक्ट से मिलता जुलता प्रोडक्ट हम अपने होम कंट्री में बना लें. ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स बाय द इनोवेटिंग कंट्री. ग्रोथ स्टेज में क्या करता है, इनोवेटिंग कंट्री अपने होम मार्केट को कैप्चर कर चुका होता है तो वो अपने नए मार्केट की एक्सपेंशन करने के लिए वो क्या करता है, टू मीट आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स इन द फॉरेन एंड टू गेट द न्यू मार्केट सेगमेंट. तो मार्केट नए मार्केट को कैप्चर करने के लिए वो क्या करता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू कर देता है. लेकिन उसको एक चीज और करना पड़ता है कि देन दी ही फेसेस मोर कंपटीशन आल्सो. मार्केट में जब वो जाता है तो अब इस स्टेज पर, ग्रोथ स्टेज पर, उसके कंपटीटर भी मैदान में आ चुके होते हैं, मार्केट में आ चुके होते हैं. तो देन ही विल फेस द मोर कंपटीशन एंड विद द यूज ऑफ मोर टेक्नोलॉजी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी द प्रोडक्ट बिकम्स कैपिटल इंटेंसिव. जैसा हमने आपको इसके पहले बताया था फैक्टर इंडाउमेंट थ्योरी में कि कोई भी देश दो तरह के प्रोडक्ट बना सकता है, अगर कैपिटल या टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करेगा तो उसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं, और अगर वो लेबर का ज्यादा यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं. तो जैसे ही ग्रोथ स्टेज में कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है तो वो ज्यादा है हाई टेक्नोलॉजी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया होता है, उस कंपटीशन को फेस करने के लिए वो क्या करता है, टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है एंड द प्रोडक्ट बिकम्स कैपिटल इंटेंसिटी. सम फॉरेन प्रोडक्ट्स आउटसोर्सिंग, मतलब यहाँ पर कई बार प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग शुरू हो जाती है, इम्पोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुरू हो जाता है. थर्ड स्टेज इज द मेच्योरिटी. हमने पहले ही बताया था कि मेच्योरिटी एक ऐसा स्टेज है कि जब इनोवेटिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट, क्योंकि अब उसके बहुत सारे मार्केट एवेन्यूज, नए मार्केट एवेन्यूज खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे कंपटीटर्स आर आल्सो इन द फील्ड. तो अब क्या होता है, नए मार्केट एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं होती है उस प्रोडक्ट के लिए. अब या तो वो नया प्रोडक्ट फिर से इनोवेट करे, और वो जो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है अब उसकी डिक्लाइनिंग स्टेज शुरू हो जाती है, मतलब वो एक्सपोर्ट अब नहीं कर सकता, बट उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट वो मार्केट में आना शुरू हो जाता है. तो इस प्रोडक्ट स्टार्ट्स बिकमिंग ऑब्सोलीट. मोर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, हमने पहले ही कहा कि बहुत सारे प्रोडक्ट का, और अब उसमें क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव करना होता है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होने शुरू हो जाते हैं, कैपिटल इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है एंड प्रोडक्शन स्टार्ट्स अपनी इमर्जिंग इकोनॉमीज. और अब ये प्रोडक्ट नए नए मार्केट की सर्च में, नया मार्केट की तलाश में इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरफ वो अब मूव करना शुरू कर देता है. अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जब प्रोडक्ट का इनोवेशन हुआ तो उस समय भी तो इमर्जिंग मार्केट थे, उस समय यानी ग्रोथ स्टेज में किसी भी कंपनी ने इमर्जिंग मार्केट की तरफ रुख क्यों नहीं किया, उस समय भी तो ग्रोथ स्टेज में भी तो इमर्जिंग मार्केट की तरफ कंपनीज मूव कर सकती हैं. व्हाई द इमर्जिंग इकोनॉमीज आर कमिंग एट द मैच्योरिटी लेवल. होता ये है कि जब प्रोडक्ट इनोवेटिव स्टेज में होता है तो उसकी प्राइसेस काफी हाई होती है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन लो होता है, एवरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय प्राइस ज्यादा होती है. जैसे आपने याद करिए आप कि एक जमाना ऐसा था कि जब आपको नोकिया की मोबाइल जितने में मिलती थी
आज उतने में आप बढ़िया स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। आप उम्मीद करिए, जिस समय मोबाइल मार्केट में आया था उस समय उसकी कॉल रेट 5 रुपीज पर कॉल, हम 95 की बात कर रहे हैं, हम 94 की बात कर रहे हैं, 5 रुपीज पर मिनट इनकमिंग एंड 5 रुपीज पर मिनट आउटगोइंग था। अब इनोवेटिव स्टेज में आप उम्मीद करिए कि ये कॉस्ट कोई भी इमर्जिंग मार्केट बियर कर सकता था नहीं। तो ये क्या होता है कि इमर्जिंग मार्केट जब प्रोडक्ट अपने मेच्योरिटी लेवल पर पहुंचता है तो प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहां पर मास प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मास प्रोडक्शन शुरू होने की वजह से प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट घट जाती है। एवरेज कॉस्ट घटने से उसकी प्राइस जो होती है सेलिंग प्राइस वो मार्केट में काफी कम हो जाती है। तो काफी कम होने की वजह से नाउ द कंज्यूमर्स विच वेयर नॉट एबल टू परचेज आर कंज्यूम द प्रोडक्ट, नाउ दे कैन ऑल्सो कंज्यूम द प्रोडक्ट। सो द कंपनी स्टार्ट moving towards the emerging economies. Fourth stage is the declining stage. अब declining stage पर हम लोग आते हैं। Declining stage हमने बार बार आपको कहा कि product एक stage पर पहुंचने के बाद obsolete हो जाता है। जैसे आप एक home country का example ले लीजिए, कई बार इसको हम आप लोगों को क्लास में भी बताए थे कि इसको किलिंग ऑफ द ब्रांड्स कहते हैं। कई बार कोई कंपनी खुद ही अपनी ब्रांड को किल कर देता है। और खास करके आप इस समय स्मार्टफोन के मार्केट में तो आप बराबर देख सकते हैं कि आपने HTC का कोई मॉडल लिया। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि हमने HTC का 816 डिजायर का हमने एक मॉडल लिया, ये उस समय इट वॉज ए वेरी बिग ब्रांड और एक बहुत बढ़िया ये फोन हुआ करता था जब 3G था। टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, 3G ऑब्सोलीट हो गया, 4G आ गया। अब वो फोन जो 2012 में 2014 में लिया गया था, 3G उस समय नहीं आया था, 3G उस समय इंट्रोड्यूस हो रहा था, तब ये मार्क उस समय बहुत बढ़िया फोन हुआ करता था। आज वही फोन ऑब्सोलीट हो गया मार्केट में, अब वो चल ही नहीं सकता क्योंकि 4G का सिम उसमें चली गई नहीं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ले लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुंडई का सेंट्रो बहुत बढ़िया मॉडल हुआ करता था, मार्केट में अच्छी खासी डिमांड थी, लेकिन जैसे ही i10 मॉडल आया सेंट्रो मॉडल ऑब्सोलीट हो गया। आप इसी तरह ले लीजिए मारुति का जेन, जैसे ही मार्केट में आपका ये मारुति का वैगन आर आया, जेन ये आपका एब्सोल्यूट हो गया। तो आप मार्केट में जैसे जैसे इनोवेशंस होते जाते हैं, जो पुराना प्रोडक्ट है वो मार्केट से एब्सोल्यूट होता जाता है और उसकी जगह पर कंट्रीज दूसरे या जो कंट्रीज हैं, जो इनोवेटिव कंट्रीज हैं, कई बार वो बाध्य हो जाते हैं, समटाइम दे आर कंपेल्ड टू इंपोर्ट द प्रोडक्ट। जैसे हमने आपको कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था, कंप्यूटर ऑल्दो कंप्यूटर वाज इनोवेटेड इन द यूएस मार्केट बट द यूएस मार्केट वाज कंपेल्ड टू इंपोर्ट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंडिया। तो ये कई बार ऐसा होता है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो हमने पहले कहा था कि स्टेज वन है क्या है, इंट्रोडक्शन, जिसको इनोवेटिव स्टेज हम कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, व्हाट इज इनोवेशन प्रोडक्शन एंड सेल्स इन सेम कंट्री, उसी देश में होता है। प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड बिकॉज दे आर नियर बाई अब्सर्व नीड एंड मार्केट फॉर देम, लोकल मार्केट में उनकी रिक्वायरमेंट देखी जाती है, लोकल मार्केट में उनकी नीड होती है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, इनोवेट किया जाता है। वंस ए फर्म हैज क्रिएटेड न्यू प्रोडक्ट थ्योरेटिकली इट कैन मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बहुत सही बात कि एक प्रोडक्ट अगर एक लोकल नीड को पूरा करने के लिए एक बार इनोवेट हुआ तो अब इस प्रोडक्ट को वो कंपनी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बना सकती है और कहीं पर भी बेच सकती है। व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज द मार्केट इज बिकमिंग ग्लोबलाइज्ड,
मार्केट्स आर ग्लोबल है, ग्लोबल मार्केट होने की वजह से प्रोडक्ट को अमेरिका में इनोवेट किया जाए, वो जाकर के आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कहां पर, आप इंडिया में। However, early production occurs domestically to obtain direct feedback and to reduce transportation cost. इससे क्या होता है कि when the product is manufactured at local level because of the globalization, जैसे अमेरिका में इनोवेट हुआ और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या मान लीजिए सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, दक्षिण कोरिया में बना करके he starts sending the mobile in India, there will be always a hidden cost which is known as the transportation cost. Because of that, the product cost will become high. So, इसको reduce करने के लिए companies क्या करते हैं? They start the producing the or manufacturing the product at local level. Therefore, there is a location and importance of technology. There are two things: location and importance of technology for the innovation of the product. यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थियरी में लोकेशन यानी किस जगह पर आप प्रोडक्ट का को इनोवेट कर रहे हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट आप इनोवेट करिए, हाई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट आप इनोवेट करिए और ले आकर के उसको साउथ अफ्रीकन कंट्रीज युगांडा में बेचना शुरू कर दीजिए, जाम्बिया में बेचना शुरू कर दीजिए, या कहीं ऐसी जगह पर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वहां पर ले जाकर के आप कहिए कि हम इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन द प्रोडक्ट विल बिकम फेल। उसका कारण ये है कि शुरुआत में रिसर्च एंड इनोवेशन पर काफी डेवलपमेंट पर उसके देयर इज ऑलवेज एक्सपेंडिचर खर्च आता है और उस खर्च की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई होती है, दैट इमर्जिंग इकोनॉमी विल नॉट बी एबल टू परचेज द प्रोडक्ट एट दैट हाई कॉस्ट एंड दे विल नॉट बी एबल टू कंज्यूम द प्रोडक्ट। इसलिए कभी भी लोकेशन इस जो होता है, अभी आप इसी थियरी के जस्ट बाद आप लोकेशन स्पेसिफिक थियरी पढ़ेंगे, उसका भी आपको यहीं पर पता चलेगा कि हाउ द लोकेशन इज इंपॉर्टेंट विद द टेक्नोलॉजी। तो हियर कंपनीज यूज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू वेज टू प्रोड्यूस ओल्ड प्रोडक्ट्स, बोथ ऑफ व्हिच कैन गिव देम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आपने पढ़ा ये कि तरीका उनका कुछ भी हो सकता है, बट द कंपनीज आर ऑलवेज हैव कमिंग इन द मार्केट विद द न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं तो प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। जैसे फिर हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि नोकिया वाज वंस इन लीडर इन द मोबाइल या टेलीकॉम इंडस्ट्री, मोबाइल का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर था मोटोरोला और नोकिया था, फिर इसके बाद एलजी मार्केट को पकड़ा और आज ये तीनों कंपनीज मार्केट में एक्सिस्ट ही नहीं कर रही है, एक्सिस्ट तो कर रही है बट मार्केट से ये लगभग लगभग आउट है। देयर यू कैन से द इनोवेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी विद द कमिंग मार्केट। 50 कंपनीज वर्ल्ड वाइड दैट स्पेंड मोस्ट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर ऑल हेडक्वार्टर्ड इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज। लोकेशन मतलब होता क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं डेवलप कर रहे हैं जहां पर उसके वेंडर्स वही इजिली अवेलेबल हैं, देन देयर विल बी अ रिडक्शन इन द कॉस्ट। तो इसीलिए लोकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए कहीं पर अगर किसी चीज की सुविधा ही नहीं है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहां पर नहीं, इनोवेशन वहां नहीं कर सकते हैं। डोमिनेंट पोजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज इज ड्यू टू कंपटीशन, डिमांडिंग कंज्यूमर्स, डाइवर्सिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एंड हाई इनकम। हमने तीनों चीज की आपकी पहले ही बात कर ली है कि इमर्जिंग मार्केट में आप ले जाकर के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करिए कभी सफल नहीं होगा, कारण कि डिमांड एक तो इनकम उनकी इतनी होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट के उस हाई कॉस्ट को बियर कर सके, उस हाई कॉस्ट पर वो परचेज कर सके। दूसरा है कि वहां पर जो साइंटिस्ट है यानी एजुकेशन का लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि साइंटिस्ट आर द इंजीनियर्स आर कैपेबल ऑफ हैविंग द इनोवेटिव प्रोडक्ट आर हाई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए वो हमेशा प्रयास कर रहे हैं, एंड द सोसाइटी इज इन सच ए वे दैट दे आर ऑलवेज हैविंग इन द डिमांड ऑफ द न्यू प्रोडक्ट।
तो जब तक सोसाइटी नए प्रोडक्ट का डिमांड नहीं करेगी तब तक आप किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। तो आप यू कैन टेक, हमने बहुत बार आपको एग्जांपल दिया है, इन डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएसए व्हिच आर मोर फोकस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेट्स अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द मार्केट। This is the stage for the product when the product is in available in the domestic market only. हमने वही कहा कि मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल होता है इनोवेटिव स्टेज में। जैसे 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो शुरुआत में इसका जो पेटेंट था 4 जनवरी 1879 को जब इसका पेटेंट हुआ तो इसका जो कंज्यूमर स्टेट था वो यूएसए ही था। तो शुरुआत में लो कंपटीशन है, लो सेल्स मार्जिन है बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट, टाइम लिमिट, टाइम कम है, मार्केट डोमेस्टिक मार्केट केवल है, तो प्राइमरी स्टेज में मार्केट सैचुरेट रहता है और मार्केट को कैप्चर करने के लिए कंपनीज आर ऑलवेज हैविंग द एफर्ट। सेकेंड स्टेज में आइए, सेकेंड स्टेज में ग्रोथ होता है जैसा हमने बताया, एज सेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट ग्रो, कंपटीटर्स इंटर इन द मार्केट, हमने पहले ही बताया, डिमांड ग्रोस सब्सटेंशियली इन फॉरेन मार्केट्स पर्टिकुलरली इन अदर इंडस्ट्रियल कंट्रीज। डिमांड में भी सफिशियंट टू जस्टिफाई प्रोड्यूसिंग इन सम फॉरेन मार्केट्स टू रिड्यूस आर एलिमिनेट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। स्टिल रैपिड सेल्स ग्रोथ एट होम एंड अब्रॉड कंपेल्स फर्म्स टू डेवलप प्रोसेस टेक्नोलॉजी। द ओरिजिनल प्रोड्यूसिंग कंट्री विल इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट इन दिस स्टेज बट लूज सर्टेन की एक्सपोर्ट मार्केट इन विच कंपीटर्स कमेंस लोकल प्रोडक्शन। इसको हमने पहले ही कहा था कि ये प्रोडक्शन स्टेज होता है, प्रोडक्शन स्टेज में ग्रोथ होती है, मार्केट के न्यू एवेन्यूज खोजे जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसी थॉमस एल्वा एडिसन के इलेक्ट्रिक बल्ब का ही एग्जांपल लें तो न्यूयॉर्क में 1880 में 79 में जब उसका बल्ब का आविष्कार हुआ तो 80 में इसको क्या किया, मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए क्यों नए नए एवेन्यूज तलाशने शुरू हुए, क्योंकि लोकल मार्केट में इसका एक्सपेंशन काफी हो चुका था, लोकल मार्केट में काफी ज्यादा इसकी डिमांड हो चुकी थी और इसको प्रोडक्शन, अब इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ रहा था। जब मास प्रोडक्शन होगा तो मास प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट के लिए एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड थर्ड कम्स मैच्योरिटी, एट दिस मैच्योरिटी स्टेज वर्ल्ड वाइड डिमांड वेरियस टू लेवल अप, ऑल्दो इट मे बी ग्रोइंग इन सम कंट्रीज एंड डिक्लाइनिंग इन अदर्स। ऐसा हो सकता है क्योंकि आप ग्रोथ स्टेज में ही क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट अगर छोटा है, कंज्यूमर बेस वहां का छोटा है तो बहुत जल्दी मार्केट सैचुरेशन पोजीशन में आना शुरू हो जाता है, या वहां पर जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की एवरेज इनकम बहुत मीडियम है या हाई इनकम ग्रुप वहां का बहुत कम लोग हैं जो हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उस मार्केट में सैचुरेशन बड़ी जल्दी आ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि वहां मार्केट आपको डिक्लाइन करना शुरू कर दे, लेकिन इट मे हैपन कि दैट द अदर कंट्री जहां आप नए मार्केट में अभी इंटर करे हैं वहां मार्केट का नया वेन्यू आपको मिल जाए और नए मार्केट में आप इंटर करें और वहां मार्केट आपका बढ़ना शुरू हो जाए। तो मैच्योरिटी लेवल में ओवरऑल आपका मार्केट सेचुरेशन की पोजीशन में आता है। हो सकता है कि कोई मार्केट डिक्लाइन कर रहा हो, कोई मार्केट एक्सपेंड कर रहा हो। देयर आर इंसेंटिव टू बिगिन मूविंग प्लांट्स टू इमर्जिंग मार्केट्स वेयर अनस्किल्ड एक्सपेंसिव लेबर इज एफिशिएंट फॉर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस। इट रिड्यूसेस पर यूनिट कॉस्ट फॉर देयर आउटपुट, द लोअर पर यूनिट कॉस्ट क्रिएट्स डिमांड इन इमर्जिंग मार्केट्स। हम यही बार बार कह जा रहे हैं कि जब मास प्रोडक्शन शुरू होता है तो एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, एवरेज कॉस्ट कम होती है पर यूनिट कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है तो उसकी प्राइसेस कम हो जाती है और मार्केट में डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड एक्सपोर्ट डिक्रीजेस फ्रॉम द इनोवेटिंग कंट्री एज फॉरेन प्रोडक्शन डिस्प्लेसेस इट। क्योंकि मार्केट में जहां पर आपने एक्सपोर्ट किया था
ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द टेक्नोलॉजी दूसरे लोग भी, दूसरे कंप्यूटर्स भी अब आप मैदान में फील्ड में मार्केट में आ चुके होते हैं. दे ऑल्सो स्टार्ट टू प्रोड्यूसिंग द सिमिलर प्रोडक्ट्स विद न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उसमें कुछ नया वर्जन ला करके वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. तो आपका एक्सपोर्ट क्या होता है, डिक्लाइनिंग पोजिशन में पहुंच जाता है. जिसको एक्सपोर्ट की स्टेज कहते हैं, डिक्लाइनिंग फोर्थ स्टेज इज द डिक्लाइनिंग. एज ए प्रोडक्ट मूव्स टू द डिक्लाइनिंग स्टेज दोज फैक्टर्स अकरिंग ड्यूरिंग द मैच्योर स्टेज कंटिन्यू टू इवॉल्व. द मार्केट इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज डिक्लाइन मोर रैपिडली दैन दोज इन इमर्जिंग मार्केट्स एज दिस कस्टमर्स डिमांड ओवर न्यूअर प्रोडक्ट्स. हमने बार बार यही कहा ना आपसे कि जैसे ही मार्केट में आप सैचुरेशन में पहुंचते हैं तो आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है और उस ऑब्सोलीट प्रोडक्ट का प्लेस कौन ले लेता है, न्यू वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कंप्यूटर्स. तो कई बार आप क्या करते हैं, उस नए प्रोडक्ट को, नई टेक्नोलॉजी को आप खुद इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं. जैसे नोकिया, एलजी, मोटोरोला, all these firms came in the market with the technology. They captured the market. उन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर किया, बट धीरे धीरे उनका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया और अब वो क्या किया, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करके खुद अब मार्केट को फिर से रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं. After targeting the global market, the companies for the developed nation starts transferring their manufacturing units to the developing countries as a kit. It gives them more market to tap and low manufacturing cost. हमने यही कहा ना कि Samsung क्या करेगा या Hyundai क्या करेगी, South Korea से production नहीं करेगी. Now it will come in the India to tap the Indian market. Indian market को tap करने के लिए वो India में manufacturing start करेगा और यहाँ पर production करेगा. तो यहाँ पर production करने से क्या होगा, transportation cost बचेगा. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हिडन कॉस्ट होता है उसकी वजह से प्राइसेस कम हो जाएंगी और प्रोडक्ट मार्केट में इजिली एक्सपेंड कर सकेगा. तो इस स्टेज में मोस्टली द कंपनीज आर कंपेल्ड टू हैव द लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. आप एग्जांपल ले सकते हैं, आफ्टर कैप्चरिंग द ग्लोबल मार्केट टू द बल्ब, एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी मर्ज्ड विद थॉमस ह्यूस्टन इलेक्ट्रिक कंपनी एंड फॉर्म जनरल इलेक्ट्रिक and start the production in developing countries like China in 1879 में जो शुरू हुआ वो 1908 में क्या हुआ, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से नया एक फर्म हुआ और चाइना में उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई क्योंकि उसको नया मार्केट कैप्चर करना था, नए मार्केट में नए ढंग से उसको एंटर करना था. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी, इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड विथड्रॉल. द पीएलसी थियोरी होल्ड्स दैट द लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सर्व वर्ल्ड मार्केट शिफ्ट्स एज द प्रोडक्शन मूव थ्रू their life cycle. Products such as ballpoint pens and portable calculators have followed this pattern. They were first produced in a single industrial country and sold it at a high price. Then production shifted to multiple industrial country locations to serve those local markets. Finally, most production is in emerging market and prices have declined. But there are certain limitations of this product life cycle theory. Limitation one is the products that because of very rapid innovation have extremely short life cycles, which takes make it impossible for achieve cost reduction by moving production from one country to another. For example, you can take product obsolescence occurs so rapidly for many electronic products. जैसे हमने आपको मोबाइल का एग्जाम्पल बार बार लिया कि एक आप प्रोडक्ट लीजिए वो बड़ी जल्दी obsolete हो जाता है. आप लोग तुरंत जैसे ही मीटिंग एंड होगा तुरंत मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा. लक्जरी प्रोडक्ट्स फॉर विच कॉस्ट इज सो लिटिल कंसर्न टू द कंज्यूमर, प्रोडक्ट्स फॉर विच ए कंपनी कैन यूज ए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी परहैप्स गो एडवर्टाइजिंग टू मेंटेन कंज्यूमर डिमांड विदाउट कंपीटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. Products that require a specialized technical labor to evolve into their next generation. This seems to explain the long-term US dominance of